अस्सलाम वालेकुम आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी बहुत ही फेवरेट सालन की रेसिपी जो कि है बैंगन का भरता और ये बहुत आसान है बहुत जल्दी झटपट से बन जाता है मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो इसके लिए हमें चाहिए हैं बैंगन और गोल वाले बैंगन चाहिए ये बिल्कुल फ़्रेश बैंगन है इस टाइम पर जो मैं अपने किचन गार्डन से अभी भी तोड़ कर लाई हूँ और ये होंगे तकरीबन हाफ के जी के करीब इनका वेट होगा तो बैंगन को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लेना है और फिर इसके बाद हमने फ्लेम ऑन कर लेनी है और हाई फ्लेम पे हमने इनको जलाना है ये देखिए डायरेक्ट मैंने इसको चुलेब के ऊपर रख दिया कुछ लोग इसके ऊपर एक छोटा स्टैंड होता है वो रख कर और फिर उसके ऊपर बैंगन को जो है वो जलाते हैं लेकिन दोनों सूरतों में बैंगन जल जाता है तो आप किसी तरह से भी इसको जला सकते हैं और जब ये एक साइड से जल जाएगा तो साथ साथ मैं इसको टर्न करती रहूँगी ये देखें अब आपको आ, समझ भी आ रहा होगा कि जैसे जैसे ये जलता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा और हमने बिल्कुल जो इसका छिलका है उसको हमने जला लेना है इतना जला लेना है कि वो जल के सवा हो जाए यानी इतना जलाना है कि वो बिल्कुल कोयला बन जाए तो चलिए जब तक बैंगन जो है वो जलते हैं पकते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या मसाले जाएंगे इसके लिए मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है एक अदद टमाटर है टमाटर आप दो अदद भी ले सकते हैं उसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट वन टी हरी मिर्चें हैं दो से तीन कटी हुई नमक और लाल मिर्च हसबका हल्दी है और ज़ीरा पाउडर है जी तो यहाँ पर देखिए कि जो बैंगन है वो ऑलमोस्ट जो है वो जल चुके हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से इसको पील ऑफ़ करना है आई होप कि आपको नज़र आ रहे हों ये देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम जब इसके छिलका जो है वो उसको उतारते जाएंगे बड़े आराम से बड़े आसानी के साथ आप देख लें कि मैं कितने मज़े से जो है वो इसके छिलके उतार रही हूँ कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही और कोई मुझे छुरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा बड़े आराम से इजीली इसके ऊपर से छिलके जो है वो रिमूव हो रहे हैं अच्छा बाज़ लोग जो हैं वो इसको जलाने के बाद फ़ौर पानी में डाल देते हैं पानी में डाल के ठंडा शायद करते होंगे और उसके बाद फिर उससे उसके छिलके उतारते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम पानी के बगैर भी आप देख लें कि कितना ईजिली इसका छिलका जो है वो उतर रहा है हाँ ये है कि मैं छिलका उतारने के बाद इसको अच्छे साफ पानी में इसको धो ज़रूर लूँगी तो चलिए मैं इसका सारा जो छिलका है उसको रिमूव करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वीडियोस को शेयर करें लाइक करें इससे कमेंट किया करें कि हमारे जो वीडियोस हैं आपको कैसे लग रही हैं जी तो यहाँ पर देख लें कि मैंने जो है वो तमाम जो बैंगन थे उन सब बैंगन को जलाकर उनके ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर दिया और इसके बाद मैंने इसको पानी से एक दफ़ा जो है वो पानी में वॉश कर लिया है ठीक है और अब हम क्या करेंगे कि जो बैंगन है ठीक है छिलका उतारने के बाद फोक की मदद से या नाइफ़ की मदद से जो आपको आसान लगता है हमने इसको बिल्कुल मैश कर लेना है बैंगन जितने बैंगन है सबको मैश कर लेना है बड़ी आसानी के साथ आप देखें कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत नरम है अगर आपको फोक से आसानी से हो जाते हैं मैश तो वेरी गुड नहीं तो आप इस तरह से छुरी की मदद से भी इसको कर सकते हैं बेसिकली हमने बिल्कुल इसका जो है ना इसको मैश कर लेना है बिल्कुल वो कहते हैं ना मलीदा बना देना तो बैंगन हो गए हैं रेडी और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल हमें चाहिए है थ्री टेबल स्पून यानी तीन बड़े चम्मच या हाफ़ कप ऑयल कर लें हाफ कप या थ्री टेबल स्पून ठीक है वो ऑयल ले लिया मैंने और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर जो मैंने कि स्लाइस में काट लिए हुए हैं और टमाटर आप अपनी मर्जी से अगर आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट पसंद है टमाटरों का तो आप दो टमाटर भी ले सकते हैं तीन भी ले सकते हैं इनको हमने अच्छे से भून लेना है टमाटरों को कि ये अच्छे से गल जाएं और ये घुल जाएँ यानी कि सॉफ़्ट हो जाए बहुत ज़्यादा ताकि जब हम मसाला बनाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा टमाटर खड़े खड़े नहीं होने चाहिए साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट वन टी स्पून और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी नमक में चापस में जयका डाल सकते हैं ज़ीरा पाउडर और हल्दी हाफ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है तीन से अदद कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर ली है और अब इस मसाले को हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है कि हमने इसमें जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से भुन जाए उनका टेस्ट आ जाए अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो मसाला है वो ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी यानी वन थर्ड कप कह लें या दो घूंट पानी इसमें ऐड करूँगी जस्ट मसाले को भूनने के लिए क्योंकि जब मैंने शुरू शुरू में कुकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि जब हम मसाला बनाते हैं और उसके अंदर जो खड़े रह जाते हैं मसाले यानी कि टमाटर प्याज है वो थोड़े साबित रहते हैं तो मुझे फिर ये बाद में समझ आई कि आपने उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको उसकी भुनाई करनी होती है तब कहीं जाकर यह घुलते हैं तो ये देखें कि यह बड़े आराम से जो है ना माशाला से अच्छे से घुल चुके हैं और अच्छा वाला मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है तरी आ चुकी है कुकिंग ऑयल की तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज मैंने प्याज लिया था एक अदद बड़े साइज़ का और इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया अब मैंने इस जो प्याज मैंने डाला है ना इसको मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि इसके अंदर भरते के अंदर कोई भी आप किसी भी किस्म का भरता बनाएं तो जो प्याज़ है उसका जो क्रंची टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं प्याज को खड़ा रहने दूंगी मसाला मैंने भून लिया था लेकिन प्याज जो मैं बना इसमें कर रही हूँ वो थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा जस्ट मैंने डाला और उसको हल्का सा उसकी मैंने भुनाई कर ली डेट सेट और साथ ही इसके अंदर मैंने अब ऐड कर दिए हैं मैश किए हुए बैंगन बैंगन ऐड किए हैं बैंगन को अब हम भून लेंगे थोड़ा सा और इतना भुना भूनना है बैंगनों को डाल के कि जो इनका टेस्ट है मसाले का नमक मिर्च और वो सारा इसके अंदर अच्छे से आ जाए एंड देट्स इट हमारा सालन जो है बैंगन का भरता वो रेडी है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है देखें जस्ट हमने दस से पंद्रह मिनट के अंदर हमारा जो एक टाइम का जो सालन है यानी बैंगन का भर्ता वो रेडी हो जाता है मुझे बहुत पसंद है और खाते हुए यकीन करें आपको ऐसा लगेगा कि आप बारबेक्यू भी क्यों खा रहे हैं और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने बैंगन के भर्ते को जो सर्व करना है वो दही के साथ सर्व करना है बहुत टेस्टी लगता है दही के बग़ैर इसका आपको मज़ा नहीं आएगा तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़